वेलकम स्टूडेंट, वी आर डिस्कसिंग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मॉड्यूल नंबर 5 एंड वी आर डिस्कसिंग कंटिन्यू दिस मॉड्यूल नंबर 5 पार्ट बी. वी आर डिस्कसिंग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फॉर कॉर्पोरेट एक्सलेंस. इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस इनोवेशन, आइडिया जनरेशन, देन कॉम्पिटेंस कैन इंक्रीज दी corporate excellence. In this lecture we'll discuss which component can increase the corporate excellence, and this is one component out of this: motivation. Motivation can raise the corporate excellence. Motivation may be self motivation is again important one. Without self motivation, employee cannot work. Without self motivation, employee cannot generate any idea, cannot perform well in the organization. So self motivation is one important fact. Motivation from other. Okay, self motivation and motivation from other. प्रेज फ्रॉम अदर कैन वर्क. किसी ने बोल दिया आप बहुत अच्छा करते हो. ओके, आप अगर अच्छा भी नहीं कर रहे तो भी आप अच्छा करने लग जाओगे, बिकॉज प्रेज कैन वर्क. कोई अच्छा बोलता है ना, कोई अच्छा ही करता है ना, तो आपको अच्छा लगता है. ओके, सो प्रेज कैन वर्क, सेल्फ मोटिवेशन कैन वर्क. So word can do better. ये जो शब्दों का जाल है ना, इसमें फंसा के ऑर्गेनाइजेशन काम करके कभी कभी लेता है. इट इज कॉल्ड रिवार्ड. मोस्ट परफॉर्मिंग एम्प्लॉय ऑफ द ईयर दे दिया अवार्ड. ओके, क्या हुआ उसके वजह से? एकदम से मोटिवेशन बढ़ गया. मोटिवेशन बढ़ा तो क्या होगा? सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा. सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा? आइडिया विल जनरेट बाय दैट एम्प्लॉई एंड देन ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ इनडायरेक्टली. सो ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोवाइडिंग मॉनिटरी रिवार्ड एंड नॉन मॉनिटरी रिवार्ड टू द एम्प्लॉई. So motivation directly contributing to the corporate excellence vision. आप भले एक जगह पे खड़े रहो, लेकिन आपकी नजरें ऊंची होनी चाहिए. आपकी नजरें थोड़ी लंबी होनी चाहिए. आपको पैर में देख के नहीं चलना है, आपको सामने देख के चलना है. यू मस्ट विजुअलाइज योर फ्यूचर. यू मस्ट विजुअलाइज योर वे, योर ऑर्गेनाइजेशन वे. यू मस्ट विजुअलाइज योर ओन करियर. ओके, सो विजन इज इंपॉर्टेंट. विजन इज कंट्रीब्यूटिंग इन कॉर्पोरेट एक्सलेंस. इफ ऑर्गेनाइजेशन हैव बेटर विजन, corporate excellence will better. So we should see beyond the horizon with the help of forecasting and research. We should do forecasting and we should do research for betterment. We should do. So organization must have broad vision. So organization, if having broad vision, then organization will perform better. Always. पैर में देख के नहीं चलना है, सामने देख के चलना है. सामने मतलब बहुत सामने देखना है. तो क्या होगा? अपने आप ग्रोथ होगा. आपकी सोच बदली, आपका रास्ता साफ. सोच बदल गई, रास्ता साफ. रास्ता साफ कैसे हो गया? क्योंकि आपने सोच बदल दी, आपने थिंकिंग प्रोसेस बदल दी.
थिंकिंग का अपना स्टाइल बदल दिया. ओके, सो विजन, सेटिंग द विजन डायरेक्टली कंट्रीब्यूट इन कॉर्पोरेट एक्सलेंस. पैशन, पैशन इट इज पॉइंट ऑफ प्लीजर और इट इज मूव विदाउट एनी ग्रेट एक्सपेक्टेशंस. ये ऐसी चाल है जो ज्यादा कोई एक्सपेक्टेशन रखे बगैर चलते हैं. इट इज कॉल्ड पैशन. लोग बोलते हैं ना, टीचिंग इज माई पैशन. टीचिंग मे बी द पैशन ऑफ द टीचर, मे बी द पैशन, बट इफ पैशन इज देयर देन समथिंग इज देयर. दैट समथिंग इट मीन्स पर्सन इज परफॉर्मिंग हिज ओन जॉब, हिज ओन वर्क विदाउट मोर एक्सपेक्टेशन. सो पैशन इज डायरेक्टली कंट्रीब्यूटिंग इन कॉर्पोरेट एक्सलेंस, डायरेक्टली कंट्रीब्यूटिंग इन ऑर्गेनाइजेशन एक्सलेंस. डिजाइनिंग इज माई पैशन. इफ समवन इज अ डिजाइनर इन योर ऑर्गेनाइजेशन, यू कैन यूज दैट पैशन इन योर ऑर्गेनाइजेशन फॉर डिजाइनिंग एनीथिंग. फॉर एग्जाम्पल, डिजाइनिंग कंपनी लोगो और डिजाइनिंग एनी वे. ओके, डिजाइन इज ऑलवेज गिव यू प्लीजर, ऑलवेज गिव यू प्लीजर. ओके, सो यू कैन यूज दैट पर्सन हू हैविंग पैशन इन डिजाइनिंग फॉर एनी वेयर वेयर यू कैन यूज दैट एम्प्लॉय इन डिजाइनिंग. कहीं जगह पे काम गिरा है डिजाइनिंग का, तो उसको यूज करिए. आपके ऑर्गेनाइजेशन में वो एम्प्लॉय बन के है, दैट एम्प्लॉय इज ऑलरेडी इन योर ऑर्गेनाइजेशन. यू शुड यूज दैट एम्प्लॉय फॉर डिजाइनिंग पर्पज. ओके, सो डिजाइनिंग इज ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन कॉर्पोरेट एक्सलेंस. हैंडीक्राफ्ट, एम्प्लॉय ऑल्सो हैविंग इंटरेस्ट इन दिस. ओके, यू कैन यूज दिस सेम इन बेटरमेंट ऑफ यूर ऑर्गेनाइजेशन. आई एम नॉट सेइंग यू मस्ट प्रोड्यूस दिस. ओके, आई एम सेइंग इफ रिक्वायर्ड देन यू कैन यूज, इफ रिक्वायर्ड देन यू कैन यूज द पर्सन हू हैविंग इंटरेस्ट इन कलरिंग फॉर यूर ऑर्गेनाइजेशन. इफ वर्क विल कम, वर्क विल रिलेटेड टू द कलरिंग, देन यू कैन यूज द एबिलिटी ऑफ पर्सन, एबिलिटी ऑफ यूर एम्प्लॉय फॉर दिस पर्पज. सिंगिंग इज वन हॉबी और सिंगिंग इज वन पैशन और सिंगिंग इज वन प्रोफेशन. इफ एनी एम्प्लॉय हैव देन यू कैन यूज द सेम इन एनुअल फंक्शन. वेरी गुड. ओके, दैट एम्प्लॉय कैन एंटरटेन, दैट एम्प्लॉय कैन एंटरटेन अदर. ओके, एन एंटरटेनमेंट जॉब इज गुड जॉब. सो यू कैन यूज द सेम एम्प्लॉय इन अदर वर्क. सो पैशन कैन यूज फॉर बेटरमेंट ऑफ द कॉर्पोरेट एक्सलेंस. डांसिंग, ओके, मेनी पीपल इन द वर्ल्ड आर डांसर. ओके, मोस्ट ऑफ द पीपल आर रूम डांसर एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर बाथरूम सिंगर. ओके, दैट इज देयर, बट यू कैन यूज द सेम फॉर यूर ऑर्गेनाइजेशन एनीवेयर. ओके, ऑर्गेनाइजेशन में काम आएगा नहीं डांसर का, ऐसी बात नहीं है. ओके, इंटरटेनमेंट में तो यूज कर ही सकते हैं, एनुअल फंक्शन में और कभी जब आपको जरूरत हो. ओके, सो इट इज ऑल्सो वन कैन ग्रो द कॉर्पोरेट एक्सलेंस. एंड देन दीज आर द सम इनफॉर्मल थिंग आई एम डिस्कसिंग. These are the some informal thing for corporate excellence, but this is one data analytics. If someone is doing job in marketing and that person have a interest in data analytics,
देन यू मस्ट यूज दैट पर्सन इन डेटा एनालिटिक्स नॉट मार्केटिंग. मार्केटिंग का जॉब वहां से उसको ट्रांसफर करके यहां पे लाई है डेटा एनालिटिक्स में, क्योंकि उसको यहां पे इंटरेस्ट है. और द पर्सन हु इज डूइंग जॉब इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हैविंग इंटरेस्ट इन मार्केटिंग, देन यू कैन यूज द सेम पर्सन इन इन मार्केटिंग नॉट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. ओके, सो इट इज द पॉइंट. यू कैन इंक्रीज यूर कॉर्पोरेट एक्सलेंस बाय यूजिंग कोर एबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉइज. यू कैन यूज, ओके, सो इट कैन इंक्रीज द कॉर्पोरेट एक्सलेंस. एंड दिस बॉस इज वेरी यूजफुल कंप्यूटर. And any person having interest in computer and you are using that person as a peon, okay, so you should use that person as a computer operator or computer mechanic if that person have an interest in repairing computer. So you can use the same person for your organization betterment. And this one, interest in service, interest in helping, interest in supporting, interest in talking, interest in counseling, interest in motivating, interest in mentoring, and interest in colorful people are there. In your organization, colorful people are there. Some people have interest in service, some people in helping, some people in supporting, some people in talking, counseling, motivating, and mentoring. And if person is doing work anywhere, not in this area, then you can use the same person in this area. लोगों को आप काम ऐसे दीजिए जिसमें उनका इंटरेस्ट हो, तो क्या होगा? तो ये होगा कि आपका ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ भी होगा और साथ में उनका ग्रोथ भी होगा और साथ में एम्प्लॉय विल मोर सेटिस्फाइड ड्यू टू देयर ओन इंटरेस्टेड वर्क. ओके, सो इट विल इंक्रीज द कॉर्पोरेट एक्सलेंस. दिस एक्शन विल डायरेक्टली कंट्रीब्यूट. एंड इफ यूर एम्प्लॉय इज कलरफुल एंड यू नो द स्किल ऑफ एम्प्लॉय, यू नो द स्ट्रेंथ ऑफ एम्प्लॉय, यू नो द हॉबी ऑफ एम्प्लॉय, यू नो their interest, you know their own strong skill, their strength, and you know their weakness, then you can use that all colorful for more betterment, for more betterment. Okay, so colorful employees is there in your organization. Colorful in the sense I am, what I am saying different personalities are there, so use their color for organization profit and outcomes according to your needs and requirement. If you are using employees according to your needs, then it is what? It is directly corporate excellence. So you can use excellence of employee. You can develop excellence of employee.
and raise the corporate excellence. So it is all about the corporate excellence. I have covered in 45 minutes. Okay. So with this, we will stop here. In next module, we'll discuss next part. In next module, we'll discuss human resource planning. So if you not subscribe till now, please subscribe or see lecture link given in description. All lecture links given in description, you can go through that and see whole lecture. Link is given there. Okay, so this is about the corporate excellence. We'll stop here, and in next lecture we'll discuss about human resource planning. So thank you very much, student. We'll see you again in next module.